मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे भी। तो आज भी तहसील स्तर पे जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जैसा कि विदित है कि सभी अधिकारी यहाँ पर विभाग स्तरीय उपस्थित रहे हैं और निराकरण का प्रयास किया गया है। विभिन्न शिकायतें थी नगर पालिका संबंधित, कुछ थी कुछ राजस्व विभाग की थी, कुछ अन्य विभाग संबंधित, निराकरण का प्रयास किया गया। विशेष क्या मामले हैं सर? ये कई नामांतरण संबंधित विषय थे जिसमें कि तहसीलदार कोर्ट का आदेश हो चुका है, तो कई वो समझाएंगे कि आप उसके खिलाफ अपील करें। कुछ केसेस में एनसीएम का आदेश हो चुका है तो उसके खिलाफ सिविल न्यायालय में अपील करनी, तो ऐसी समझाइश देनी होती है। कई बार व्यक्ति बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं छप रहा है, क्यों नहीं है इस तरह की। कई और जो नगरपालिका संबंधित शिकायतें हैं उसमें कहीं ना कहीं होटले का निर्माण हो गया है आबादी क्षेत्र में, अस्थायी रूप से एक फौजी आए थे मल्ला जी करके, उनका कहना था कि हमारे घर के सामने एक गुड्डी रखी गई है। इस संबंध में नगर पालिका का हमले को निर्देशित किया गया है, मौके जाँच करें वहाँ पर, और यदि बिना परमिशन की रखी गई तो उसको हटाने के लिए निर्देशित किया गया। उद्योग से संबंधित भी कुछ? जी हाँ, सुबोध स्वामी जी के द्वारा आज उपस्थित होकर 3 आवेदन दिए गए हैं, जिससे पहला लाइसेंस उद्योग के द्वारा असम की शिकायत है कि लाइसेंस उद्योग के द्वारा जो बिना जो पीट के वो जो फ्लूएंट है जो उसको नदी में चंबल नदी में डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है, ऐसी शिकायत है। दूसरा, उन्होंने यातायात के संबंध में एक शिकायत की है कि बिंडाग्राम और नागदाऊ जोड़ती हुई जो ब्रिजर्स के जस्ट बाद में रेलवे पटरी है, इससे आवागमन प्रभावित होता है और बड़ी संख्या में वाहन की कतार हो जाती है। इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा उल्लेख किया गया। इसके अलावा त्रिमूर्ति गेट को भी कोविड के बाद टाइम से ही बंद किए जाने के संबंध में शिकायत है। इस संबंध में संबंधित जो विभाग है, उद्योग विभाग और कंपनी से भी इस पर जवाब लिया जाए। लीडर को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में सूचना पत्र, कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास खंड नागदा नाम से थोड़ा समस्या तो आती है। अधिकारी ये बताते हैं कि हम लोग खास रूप में जनसुनवाई उपस्थित, मेरा ये कहना है महीने में एक या दो बार जरूर जनसुनवाई में यहाँ पे 4 हफ्ते में से दो ऐसे उनको मौके में सुनवाई दी गई थी, लेकिन आज उपस्थित पाए गए, इसलिए इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 जनसुनवाई से कोई जनपद अधिकारी नहीं आया। नहीं, विषय क्या है, क्या चाहते हो? हमारे पट्टा जमीन थी ना, तो 4-3 बनाए जरा से गजरा की थी हमारी जमीन, हमें बेची भी को नहीं था। अभी क्या चाहते हो? अभी ये चाहता हूँ कि हमारी जमीन हमारे वापस दो। आप कब्जे पे हो कि नहीं हो? मौके पे कब्जा आपका है कि कंपनी का? ये तो कंप्लेन करूँ तो अभी कहाँ है कब्जा? कब्जा किसका है अभी? कब्जा तो कोई है, कोई त्रिवेदी का है। कौन त्रिवेदी? पता नहीं था वो कड़कूल। आपको कब आता? आपकी जमीन ले ली थी क्या, बेची थी आपने? उसमें कब्जा कर लिया? हाँ, कब्जा भी कर लिया और साहब नामांतरण भी कर लिया उसने। हाँ, तो आपने कब से उसका कब्जा है सामने वाले का? कब से कब्जा है उसका? 2-3 हो गए। तो आप रिपोर्ट भी डालेंगे? नहीं, रिपोर्ट ही आपने उसको बेची थी क्या? उनको नहीं बेची था। तो फिर उसका नाम कैसे चढ़ गया? आपका नाम था क्या? खसरे में नाम है क्या आपका? हाँ, खसरे में भी ये किसका? हाँ, ये पट्टा। क्या नाम है आपका? बद्री डाल और कौन सी बद्री और बड़ा वाला का है? नहीं, ये तो बद्री लाल के नाम से आई है मेरे पास में। हाँ, बद्री लाल मेरा बड़ा वाला भाई है, तो तीन भाई है। दस्तावेज के साथ आप रामलाल हो? नहीं, रामलाल नहीं है साहब, वो तो खत्म हो गया। आप कौन? रामलाल कौन थे आपके? गोवर्धन। रामलाल कौन थे? मावार बड़े वाले भैया, बड़े भैया थे। उसको देख के समझ आ गया। मेरे दरबार में ये भी नहीं कि जमन बता। बात कर लेता हूँ परमार से। पटवारी साहब से मिले आप? उनके पास भी लिखवाया था, तो उन्होंने दे दिया। फिर मंत्री को दिया तो ताकत का सर पटवारी से। पटवारी कई बार आएंगे।
चीफ की शिकायत कर रहे हैं रोपेटा के, उसे संबल का लाभ नहीं मिला है, अब एक दिन का उसमें भूमि भी नहीं है, तो ऐसा सही है कि आपके मौखिक रूप से जानकारी में है क्या आपके? आप सही जांच करना इसमें, अगर मैं आपको लिख रहा हूँ सचिव को लिख रहा हूँ, ठीक है? नहीं मिला यार, कह रहे जमीन भी नहीं हमारे पास, आपको पुराण पत्र दे दिया है कि कोई जमीन नहीं है, मदन लाल इसलिए साहब ने बात की थी ना आपसे, है ना? और मैं आपको नंबर आपने किससे बात की, व्हाट्सएप ग्रुप कैसा अभी इसने ही तो कराई सर, लेकिन किससे बात कर रहे हैं? नंबर हां शिकायत नंबर बेटा भाई, ये मुझे मंत्री का सचिव अक्षय, आप वही हो ना? क्यों अक्षय जी, आप बेटा में ही हो ना? बेटा मैं बात कर रहा हूँ, पुराने दिख रहे हैं क्या मामला आया था महाकाल की पंडित जी पासबुक पावती बनानी है कौन से मंदिर अभी नहीं, क्यों ये नहर की है ये हड्डी सी है नई नई खड़ी कर रहा है लोक सेवा है को अपने जाना केंद्र में नई खड़ी कर रहा है कह रहा पार्वती मुझे बनवानी है तो वो कागज लेंगे यार ये आपने लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई किया था क्या? अगर आपने कंप्यूटर पे वो करवाया था क्या वहाँ पे?